लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गवाते हुए कहां से शुरू करना। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर। प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेन की छात्रा डानिया शबु हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। डानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Bhatti of Class 10 from Indian School Dasit, Amman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डानिया सर। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित रोबर्ट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद हर्ष हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद हर्ष, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है, मैं जीएसबीवी बुराड़ी कंट एच का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चा को कैसे संबोधित कर सकते हैं जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबु और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। आज मुझे बताया गया कि परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप इस समस्या को जरूर अनुभव किया। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? हम ये तो नहीं कह सकते कि स्विच ऑफ प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना है। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है
दबाव बनता रहता है तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है, तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे तो लगता है पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है ये को संकल्प करना, दूसरा कि जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है, जो सुबह 4 बजे उठना है रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पड़ता है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जुटना है और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव कर। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी भी टूट जाए, हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 को, फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता यार देखो कल तो कर नहीं पाए 8 करूंगा, तो एक खुद ही दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से उत्तर। दूसरा माँ बाप प्रेशर पैदा करते ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया और सुपर रहा चलो जल्दी उठते नहीं हो पता नहीं एग्जाम है और यहां तक कहते हैं देख वो तेरा दोस्त क्या करता है तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाते आ जाए तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पड़ता है स्कूल में टीचर की, फिर यहां पर कुछ लोग ऐसा है जा तुमको जो करना है कर लो मैं आपका ऐसे कर, कुछ लोग ऐसा सीन सब लेते, लेकिन ये दबाव का दूसरा पता आता है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं समझ का अभाव है और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते, जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने टीचर ने सबने मिलकर के एड्रेस करना, सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे इतने से बात करने की, और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहती है। हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, उसकी एक सिस्टमेटिक थियोरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व कर पाते हैं। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल गए। धन्यवाद। अरे नथिंग टू डू।